सरगम जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा, प्रणाम नमस्कार, और प्रणाम के गुरु की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। तो मुझे पता है कि आप जो है भगवान के गहरे प्रेम में हैं, तो सबसे पहले आज गुरु पूर्णिमा के दिवस पर क्या कहना चाहेंगे, उसके बाद में आप शुरुआत करें। आज बहुत ही पवित्र दिन है गुरु पूर्णिमा, मतलब ये बहुत बड़ा अवसर है। और संगीत की दृष्टि से देखें तो मेरी माताजी नीला घाणेकर जी वो मेरी सबसे पहली गुरु हैं, और संगीत मार्तंड पद्म विभूषण पंडित जसराज जी मेरे गुरु हैं, और फिल्म संगीत की दुनिया में पद्मश्री कल्याण जी भाई, पद्मश्री आनंद जी भाई। तो इन सब गुरुओं को सबसे पहले तो मैं नमस्कार करती हूँ। और अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो कल्याण जी भाई की वजह से मैं ओशो से मिल पाई थी, तो मुझे ये सौभाग्य मिला, मैं मेरे लिए जीवन की बहुत बड़ी पूंजी हो गई। तो ओशो के दर्शन हुए और कल्याण जी भाई ने पहले ओशो को सुनवाया था, तो तब से मैं सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ। मैं मतलब ओशो को कहती हूँ कि मैं अहोभाव से भर जाती हूँ जब ओशो का नाम आता है। बहुत सुंदर। और मैं चाहूंगा कि अगर आप छोटी सी घटना का पहले यहाँ वर्णन करें और उसके बाद में शुरुआत करें, जब भगवान से आपकी मुलाकात हुई, क्योंकि आपकी वो मुलाकात बेहद खास थी और हमें सुनने में बार बार बहुत अच्छा लगता है आपके श्रीमुख से। जी बिल्कुल राघव जी, ओशो के बारे में कोई भी बात सुनने में अच्छी लगती है और वो बार बार भी कही जाए तो भी अच्छी लगती है। मैंने भी कई बार, जैसे सभी सन्यासियों के अनुभव हैं, वो सुने हैं, पढ़े हैं, और मैं बार बार पढ़ती हूँ और सुनती हूँ और वही आनंद मुझे मिलता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और जब ओशो जब पूना वापस आए थे अमेरिका से, तो फ्रेंड्स ऑफ ओशो ऐसा कुछ एक उनका कॉन्सेप्ट था, तो उसमें कल्याण जी भाई को बुलाया था उन्होंने आश्रम में, और कल्याण जी भाई के साथ हम लोग उनके स्टूडेंट्स भी गए थे। और एक दिन कवि सम्मेलन था और एक दिन संगीत का कार्यक्रम था, तो वही बुद्धा हॉल में पहली बार मैंने ऐसा माहौल देखा और ये ध्यान की जो जो लहरें हैं वो अनुभव की। और ओशो के समाधि पे, ओशो के पास जाने का तब मौका मिला था, तो मतलब ये था कि बहुत खुशी हो रही थी और ऐसा एक थोड़ी एंग्जाइटी भी थी कि कैसे जाना है, क्योंकि बहुत सारे बातें कही थी कि बिल्कुल जाना है, सिर्फ दर्शन करके वापस आना है, उनसे कुछ बातें वाते नहीं हो सकेंगी क्योंकि उनको उतना वक्त ही नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ओशो दिख गए, ओशो मिले और ओशो को नमस्कार करने की ये जो अपॉर्चुनिटी मिली, ये मौका मिला, इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं थी। और मैं बहुत बहुत खुश थी, और उसके बाद भी जैसे कहते हैं ना कि कुछ बोल नहीं सकते, भाव विभोर हो जाते हैं, वैसे मेरी हालत थी, और वो मैं मुलाकात कभी नहीं भूल सकती। और उसके बाद बुद्धा हॉल में जब गाया था तो वो जो एक वातावरण था, वो मैंने प्रोग्राम्स में मैं गाती हूँ लेकिन वो अनुभव नहीं मिलता जो वहां पे मिला था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं यही कहूंगा कि जब भी आप बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान से आपकी मुलाकात हुई, आप उनके पास में कुछ समय बैठे भी और उनके लिए उनके सामने परफॉर्म भी किया, तो बेहद खूबसूरत बात है ये। और आज इतना पावन दिन है और आज के दिन आपका आना, आपका आगमन भी हमारे लिए बहुत शुभकारी है, तो देर ना करते हुए शुरुआत की जाए आपके मधुर भजनों के साथ, मधुर गीतों के साथ। जी, मुझे ओशो के सामने गाने का नहीं मौका मिला, नीलम मां ने सब अरेंज किया था और सब सब सन्यासी थे, तो वही वही एक जो भाव था सबका सुनने का, एक ध्यान पूर्ण वातावरण, तो वो मैं बहुत मिस करती हूँ और जगह। लेकिन आज आपने मुझे यहाँ आपके इसमें बुलाया तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, आपका सबसे पहले तो धन्यवाद। मैं ओशो के लिए क्या गाऊं, लेकिन ये मैंने कुछ गाए हैं गाने, उसमें से एक दो गाने मैं सुनाना चाहूंगी। जी जरूर।
पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनु नाही। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनु नाही। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौनो नाही। तुम्हें हम दाहो संभाले, तुम्हें हम रे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौनो नाही। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्हें से, ये गगन है मगन, तुम्हें तो दिए हो सितारे भगवन, ये जीवन तुम्हें ना सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नाही। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौनो नाही। तुम्हें हम दाहो संभाले, तुम्हें हम रे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौनो नाही। बेहद खूबसूरत ओ पालनहारे। आपका हर एक गाना, जितने भी गाने आपने आज तक गाए हैं, वो हर एक गाना बेहद खूबसूरत है। चाहे हम बात करें जो बात बिगड़ जाए या किसी और गाने की भी, तो सभी गाने कितने खूबसूरत हैं कि सभी ऐसा लगता है कि हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं। और पहला नशा की बात करें, कोई भी गाना हो, बेहद खूबसूरत आपने गाए हैं। तो कुछ और नगमे जो भी आप एक दो और सुन। हाँ, मैं कुछ मतलब जब कोई बात बिगड़ जाए, ये गाना सबको ही पता है और बहुत अच्छा लिखा हुआ है इंदिवर जी का, तो कवि इंदिवर जी, और राजेश रोशन जी का ये गाना है फिल्म जुर्म का। लेकिन इसमें जैसे मैंने कभी पढ़ा है या सुना है, ओशो ने कहा कि जो सन्यासी हैं वो, उनको कहा ओशो ने कि आप ऐसा मत समझे कि आप इसी जन्म में, कुछ कुछ सन्यासियों के लिए उन्होंने शायद कहा होगा कि आप ऐसा मत समझिए, सोचिए कि आप इसी जन्म में मुझसे जुड़ गए हैं या आपने मुझे, ये ऐसा नहीं है, निरंतर यात्रा है, कई जन्मों से आप मेरा मतलब मेरी खोज में हूँ और आपको मैं इस रूप में, इस सदगुरु के इस रूप में आपको इस जन्म में मिल गया। तो इस गाने में एक अंतरा बहुत सुंदर है, मैं ये गाना आपको सुनाती हूँ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो शो। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ शो। न कोई है न कोई था, जिंद
जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा हम नवा। दिल को मेरे हुआ यकीन हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिला ये सदियों का कोई आज की बात नहीं। दिल को मेरे हुआ यकीन हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिला ये सदियों का कोई आज की बात नहीं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा होश हो। बेहद खूबसूरत तरीके से आपने भगवान को समर्पित कर दिया ये गाना, बेहद खूबसूरत तरीके से। तो बिल्कुल आपने सही बस कहा है भी कि और एक ही गाना मैं कर सकती हूँ क्योंकि थोड़ा जी बिल्कुल गाना, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं यही कहूंगी कि ओशो ने हमेशा कहा है कि ध्यान का मार्ग है एक प्रेम का मार्ग है। तो ओशो के यहाँ सब कुछ है, ध्यान है, उत्सव है, मौन है, आनंद है, प्रेम है, सब कुछ सेलिब्रेशन है पूरा। और लाइफ की किसी भी बात को, जीवन की किसी भी बात को उन्होंने जो दृष्टि दी है, क्या कहें, मतलब इसलिए वो सद्गुरु हैं, वो गुरु हैं। और आज उनको जो दिल से है वो समर्पित कर रहे हैं, जो सुर निकल रहे हैं। और बहुत एक बहुत अच्छा गाना, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, खुश नसीब है वो जिनको है मिली ये बाहर जिंदगी, तो वो मैं सुना। जरूर हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, प्यार जिंदगी में हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, खुश नसीब है वो जिनको है मिली ये बाहर जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, चाहे चांद चमन में बरसते रहे, खिलता नहीं फूल बहार बिना, है सब के बिना जीना मुमकिन, नामुमकिन जीना प्यार बिना, नामुमकिन जीना प्यार बिना, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, खुश नसीब है वो जिनको है मिली ये बाहर जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, और सब चीजों के बिना जिया जा सकता है लेकिन प्यार के बिना नहीं जिया सकता। और भगवान ने हमेशा एक ही बात कही है कि प्यार और ध्यान, प्रेम और ध्यान के साथ में जुड़ करके ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है। अगर प्रेम पूरी संसार में पूरी तरह से फैल जाए तो मुझे लगता है कि
ना तो किसी तरह की बौर होगी और ना ही किसी की किसी को ऐसे ही हादसों से गुजरना पड़ेगा। तो बेहद खूबसूरत, और मैं आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि जिस प्रकार से आपने जो है यहाँ आकर के, क्योंकि आपके गानों को रेडियो में या यूट्यूब में या और तरह पे सुनना एक अलग बात है, लेकिन आपको लाइव सुनने में और भी अधिक मजा जो है वो जो रस है आपको लाइव सुनने का, वो बेहद ही खूबसूरत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जाने से पहले कुछ संदेश देना चाहेंगे सभी लोगों को? हाँ जी, जाने से पहले सभी लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है, एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके जरिए पूरे इस ओशो की दुनिया में मेरी आवाज पहुंच सकी और मेरी जो भावना है ओशो के प्रति वो पहुंच सकी। और बस मुझे बहुत खुशी मिलती है आप सबसे मिलके, ओशो से, ओशो की दुनिया से, ओशो के सन्यासियों से मिलके। तो मैं यही कहूंगी कि खुशियां बरसे, आप रहे जहां जहां, मांगी है मेरे दिल ने दुआएं कहां कहां, खुशियां ही खुशियां बरसे, आप रहे जहां जहां। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जो है, आपका फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आपको ढेर सारी गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया साधना सरगम जी आपका यहाँ। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, प्रणाम।